नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने और जो टॉपिक चल रहा था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। चित्रकला का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनता है और ऐसा ये टॉपिक है जिसको रटा नहीं जा सकता। अगर आप समझेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। पीछे हमने कई वीडियो बना दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। शुरू से देखें चित्रकला का बेसिक से सारी चीज़ें डिस्कस की है। मेवाड़ स्कूल हमने कर लिया था जिसमें देवगढ़ शैली एक बच गई थी, उसे आज हम कर लेंगे। साथ साथ आज हम मारवाड़ स्कूल को भी करने वाले हैं और मारवाड़ स्कूल में हम जोधपुर शैली को आज पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, कंप्लीट देखनी है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मारवाड़ स्कूल शुरू करने से पहले एक देवगढ़ शैली बच गई थी मेवाड़ स्कूल की, तो उसे आज हम पूरा करते हैं। तो मैं टॉपिक लगा लेता हूं, क्या नाम? देवगढ़ शैली, छोटा सा ही टॉपिक है इसके, ये ज्यादा कोई बड़ी बात, लेकिन प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एक ही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जाते हैं, क्या था ये? आपका राजस्थान था, ये आपका राजस्थान है। यहां पर आपकी सबसे बड़ी जो रियासत थी मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपकी मेवाड़ थी और ये आपका क्या था? ढूंढाण क्षेत्र है ना, ये था जो ये आपकी देवगढ़ शैली है। जो देवगढ़ है यहां पर पड़ता है, कहां पर? मेवाड़ की सीमा पर पड़ता है देवगढ़, ठीक है, देवगढ़। अब ये यहां पर पड़ता है तो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा था देवगढ़ शैली के ऊपर, तो देवगढ़ शैली के ऊपर मेवाड़ का तो प्रभाव था ही, तो आप मेवाड़ लिख देंगे। याद करना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। प्लस में ये इस सीमा पे होने के कारण ये तीनों सीमा यहां पास पास थी, इसी वजह से मारवाड़ प्लस में ढूंढाण इन तीनों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। याद करेंगे इस बात को सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देवगढ़ शैली थी उसके ऊपर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाण तीनों का प्रभाव पड़ा था, यानी तीनों की अपभ्रंश शैली थी क्योंकि पास पास थी, लेकिन ये मेवाड़ की सीमा में आता था देवगढ़। याद रखेंगे, एक ठिकाना था देवगढ़, क्या था? ठिकाना था देवगढ़ जिसके संस्थापक कौन था? द्वारिकादास दास चूड़ावत, 1680 के ईस्वी के अंदर, ठीक है। और इसी समय जो संस्थापक था देवगढ़ का, इसी समय देवगढ़ का राजा कौन था जिसके काल के अंदर देवगढ़ शैली पनपी, यानी देवगढ़ में जो चित्रकारी की उसे देवगढ़ शैली बोली, तो उस समय राजा कौन था? जय सिंह। याद रखेंगे 1680 के अंदर इसका भी काल होगा, स्टार्ट रह जाएगा। तो एक चीज और यहां से पूछा था कि यहाँ के जो देवगढ़ के जो सामंत थे ना, सामंत, उनको 16वें उमराव कहा जाता था, 16वें उमराव कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, 16वें उमराव किस शैली में कहा जाता था सामंतों को? तो याद रखना देवगढ़ शैली में। ये जो देवगढ़ शैली है ये मेवाड़ स्कूल के अंदर आती थी, किस में आती थी? मेवाड़ स्कूल में आती थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद में आपको यहाँ से क्या एक और प्रश्न क्या बनेगा कि यहाँ की जो चित्रकला थी, जो चित्र थे वो कहाँ देखने को मिलते थे? मोती महल था उसमें देखने को अपने को मिलते थे, मोती महल और अजारा की ओवरी के अंदर, अजारा की ओवरी के अंदर देखने को अपने को मिलते थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से ये भी। उसके बाद में आपको चित्रकार भी पूछे जाते हैं कि इस शैली के चित्रकार कौन थे, तो यहाँ के जो चित्रकार थे वो और मैं लिख देता हूँ, याद करेंगे। एक तो वेदनाथ था तथा दूसरा चोखा, क्या नाम था? चोखा।
ये दो चित्रकार थे, याद रखेंगे नाम। तो ये थी आपकी देवगढ़ शैली, मैंने बताया छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा। सबसे पहले देवगढ़ शैली किसके अंडर में आती थी, मेवाड़ स्कूल के अंडर में आती थी। इसके ऊपर तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। याद रखें देवगढ़ एक ठिकाना था जिसका संस्थापक कौन था, द्वारिका दास चूड़ावत था। इस बात को याद रखें 1680 और उसी समय राजा था जिसके काल में देवगढ़ शैली पनपी, वो था जय सिंह। यहाँ के जो सामंत थे ना उनको 16वीं उमराव कहा जाता था। अच्छा प्रश्न बनता है किस शैली में कहा जाता था, देवगढ़ शैली में कहा जाता था। उसके बाद में चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, मोती महल और अजारा की ओवरी में देखने को मिलते हैं। और चित्रकार थे वेदनाथ और चोखा जो कि फेमस थे देवगढ़ शैली के। तो ये मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली थी और मेवाड़ स्कूल का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। पीछे मैंने जो मेवाड़ स्कूल कंप्लीट करा उसको भी देख लेना, अगर नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं मेवाड़ स्कूल खत्म होने के होते मैं मारवाड़ स्कूल। दोस्तों जिस तरह मेवाड़ स्कूल में कई शैलियाँ थी इसी तरह मारवाड़ स्कूल में भी कई शैलियाँ थी। जैसे ये आपका गलत बना दिया, चलिए ये आपकी सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ठीक है, इसके अंडर में मैंने पहले भी बताया कौन कौन सी शैलियाँ आती है। एक तो जोधपुर शैली, एक अजमेर शैली, इस मारवाड़ स्कूल था। ठीक है, किशनगढ़ शैली जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली। तो ये जो चीज़ें हैं वन बाई वन हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न बनता है वे इंपॉर्टेंट शैलियाँ हम पढ़ने वाले हैं। और ये था मेवा मारवाड़ स्कूल, उसके बाद में यहाँ पर आपका पता ढूंढाड़ पड़ता है, फिर हम हाड़ौती स्कूल के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए दोस्त शुरू कर लेते हैं फिर। चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं मारवाड़ स्कूल। सबसे पहले क्या थी आपकी जोधपुर शैली। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जोधपुर शैली में सबसे प्राचीन चित्र कौन सा था या मारवाड़ स्कूल में सबसे प्राचीन चित्र कौन था। तो आपको ध्यान में रखना प्राचीन चित्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, आरएस लेवल का प्रश्न है कि चित्र, तो उसका नाम था उत्तरा दयान सूत्र, याद रखेंगे। जो ये जोधपुर शैली थी इसका जो विकास हुआ था सर्वाधिक एक राजा था मालदेव की, सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, मालदेव राजा था उसके शासनकाल में हुआ था। इसका शासनकाल 1532 से लेकर 68 ईस्वी तक था। याद रखें कि जोधपुर शैली का जो सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है वो कौन से राजा के काल में देखने को मिलता है, तो वो मालदेव के शासनकाल में देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और राजा था यहाँ पर, कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। एक राजा था मोटा राजा उदय सिंह, इसने क्या कर ली थी अपने शासनकाल में, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर कौन था, मुगल था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, इसलिए इस शैली के ऊपर मुगल का प्रभाव भी पड़ा था। किसका पड़ा था, मुगल प्रभाव भी इस शैली के ऊपर, कौन शैली पर, जोधपुर शैली पर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आपसे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुगल प्रभाव किस राजा के शासनकाल में देखने को मिलता है, तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। फिर एक राजा और था मान सिंह, ये नाथ संप्रदाय का था, नाथ संप्रदाय का था, किसका था, नाथ संप्रदाय का था। तो अब हम कह सकते हैं कि मान सिंह नाथ संप्रदाय का था, तो उस समय हमें नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है जोधपुर शैली के ऊपर, तो इसका प्रभाव भी अपने को देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनते हैं ये, तीन चार चीज़ें बता रहा हूँ नहीं, इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। आरएएस तक पूछा जाएगा कि प्राचीन चित्र कौन सा था, उत्तराध्यान सूत्र था। सर्वाधिक विकास पूछे तो मालदेव के शासनकाल में, शासनकाल 1532 से 68 थे। उसके बाद मुगल प्रभाव कौन से राजा के शासनकाल में था, तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में था। उसके बाद में नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी जोधपुर शैली पर देखने को मिलता है, तो मान सिंह के काल में देखने को मिलता है। और इस शैली की सबसे जो बड़ी विशेषता है, इस सबसे बड़ी जो विशेषता ना इसकी सबसे ज़्यादा, वो क्या है, इसके जितने भी चित्र किए गए थे, पेंटिंग की गई थी ना, उसके अंदर प्रेम व्याख्या को दर्शाया गया है, प्रेम व्याख्या को दर्शाया गया। यानी
प्रेम व्याख्या, जैसे मुमल निहाल दे हो गया आपका, है ना, इस तरह से कल्याण रागिनी हो गया, चित्र भी बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा विशेषता आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेम व्याख्या का अनोखा चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिल सकता है, तो आपको बताना है सर जोधपुर शैली में देखने को मिलते हैं। तो इसे नोट कर ले। अब हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हर बार पूछा जाता है कि चित्र कौन से थे इस शैली में, चित्रकार कौन थे और क्या विशेषता रही, और वो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जोधपुर शैली की जो विशेषता थी, सबसे बड़ी जो विशेषता थी इनके चित्रों में देखने को मिलती है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक छोटी सी ट्रिक भी है कि पीला रंग ऊंट और आम, इतनी बात याद रहिएगा ना कि पीला रंग ऊंट और आम नेत्र जैसे बादाम, इतनी बात याद रखनी। अब इसकी विशेषता क्या है कि जो जोधपुर चित्र शैली थी उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया गया था, पीले रंग का प्रयोग किया गया था। कौन से पशु का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो ऊंट का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है। आम के वृक्ष का भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेत्र जैसे बादाम, जो नेत्र बनाए जाते थे स्त्रियों की चित्रकारी, वो बादाम जैसी कृतियाँ उस पर बनाई जाती थी। याद रखना है, याद है, पीला रंग ऊंट और आम नेत्र जैसे बादाम, यानी पीले रंग का प्रयोग होता था जोधपुर शैली में ऊँटों का, और आम के वृक्ष की चित्रकारी की गई थी, और जो स्त्रियों के नेत्र बनाए जाए जो ऐसा लगता था कि बादाम के जैसे हैं। याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद में इसके जो चित्र प्रेम व्याख्या के जो चित्र थे वो कौन कौन से थे, एक था ढोला मारू, फिर मूमल निहाल दे, ठीक है, रूपमती बाज बहादुर और एक था कल्याण रागिनी। ये याद रखना है। अब ये ढोला मारूरा, ये पुरुष और महिला दोनों थे मुमल, ये आपकी वो कहते हैं प्रेम कहानी थी इनकी, ये दोनों उद्देश्य, जैसे मुमल निहालदे की रूपमती बाज बहादुर, जिस तरह लैला मजनू की कहानी थी, वही ये दोनों सिस्टम है। इसलिए प्रेम व्याख्या का सर्वोत्तम जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो जोधपुर शैली में देखने को मिलता है, प्रेम व्याख्या का सब रूप। ध्यान रखना, इसके जो चित्रकार थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखो, पहला हो गया कालू रामू, दो आदमी हो गए, एक तो कालू हो गया, एक रामू हो गया। दूसरा हो गया छज्जू रतन, एक छज्जू हो गया, एक रतन हो गया, याद करने का तरीका है। फिर आपको किशन दास याद रखना है, और उसी के बाद में आप कर देना बिशन दास हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है शिवदास, ये दास दास वाले याद करना, किशन दास, बिशन दास, शिवदास, और आपका हो गया फिर नारायण, ये लीजिए, इतने आप याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कालू रामू, छज्जू रतन, किशनदास, बिशनदास और नारायण, याद रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न बताऊँ कि यहीं से पूछे जाते हैं, लगभग यहीं से, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं शैली के अंदर कि विशेषता क्या थी, पीले रंग का यूज था, ऊंट का चित्रण था, आम के वृक्ष का था, नेत्र जैसे बादाम जैसी कृतियाँ बनाई हुई थी, ये चित्र का चित्र बनाए थे डोला मारू, मूमल निहालदे, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, और ये क्या थे जो लैला मजनू की जिस तरह जो कहानी थी वैसे इनकी कहानियाँ प्रसिद्ध है जोधपुर शैली के अंदर, चित्रकारी के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। चित्रकार कालू रामू, छज्जू रतन, किशनदास, बिशनदास, शिवदास और नारायण, ये आपको जोधपुर शैली में याद रखना है। और जोधपुर शैली का आपका जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है। तो मारवाड़ स्कूल में हमने जोधपुर शैली को अच्छे से रीड कर लिया है। मैं पूरे विश्वास दिलाता हूँ आपको कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आरएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हो और यहाँ से पढ़ के आप जाओगे, क्योंकि मैंने चीज़ें डेप्थ में डिस्कस की है, ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो आपको, ठीक है। तो कल की वीडियो हम मारवाड़ स्कूल की कुछ आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कैसे लगी आज की क्लास मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।